नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एपी क्लासेस के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो सहायक अध्यापक परीक्षा का प्रैक्टिस सेट है, एक और नया वीडियो है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक और प्रैक्टिस सेट हमारे नहीं देखे, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक है, वहां से भी वो देख सकते हैं। और आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, वो लोग सब्सक्राइब कर ले ताकि उनको मिलते रहेंगे लेटेस्ट अपडेट हमारे वीडियोस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये प्रश्न, ये मॉडल टेस्ट पेपर्स के पहले प्रश्न से, जो कि है आपका ये कि खड़ी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है। मागधी अपभ्रंश से, सौर सैन्य अपभ्रंश से, अर्ध मागधी अपभ्रंश से, या फिर पैसाची अपभ्रंश से। तो खड़ी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है, सही उत्तर है सौर सैन्य अपभ्रंश से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यद्यपि में कौन सी संधि है, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, या फिर अयाद संधि। तो यद्यपि में कौन सी संधि है, सही उत्तर क्या है, यण संधि। अगला प्रश्न, ज्ञान का भंडार अथाह होता है, रेखांकित अंश का शुद्ध रूप लिखिए। मतलब आपको जो ज्ञान लिखा है उसमें उसका आपको सही जो शब्दावली होती है वो लिखना है, मतलब सही जो वर्तनी है वो लिखनी है। चार ऑप्शंस में नीचे दिए गए, तो सभी को पता होगा कि ज्ञान कैसे लिखा जाता है, और ये प्रश्न तो सभी का ही सही होगा। सही उत्तर जी हाँ बिल्कुल सही है, बी पार्ट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अव्यय के कितने भेद होते हैं, अव्यय के कितने भेद होते हैं, दो, तीन, चार, या फिर पांच। तो सही उत्तर है इसका आपका चार। अगला प्रश्न, गंगा का पर्यायवाची क्या है, गंगा का पर्यायवाची क्या है, हंसुता, सुरसर, विष्णुपदी, या फिर धेनुमती। तो गंगा का पर्यायवाची इन चार ऑप्शंस में से क्या है, सही उत्तर जी हाँ बिल्कुल सही, विष्णुपदी है। अगला प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, व्हाट डू ए व्हेल एंड डॉल्फिन हैव कॉमन। फिल इन द ब्लैंक्स के बीच में एट, ऑन, ऑफ, इन, क्या भरना है आपको। What do a whale and a dolphin have in common? The right answer is in. अगला प्रश्न, Write down the one word for the groups of word sentence. Someone who walks in sleep. जो आदमी, जो व्यक्ति नींद में चलता है उसको क्या कहा जाता है, उसका एक शब्द बताना है आपको। Someone who walks in sleep. Philtergist, somnambulist, philologist, या फिर numismatist. तो क्या कहा जाता है जिसको, जो नींद में चलता है। सही उत्तर क्या है, बी पार्ट। अगला प्रश्न, चूज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड अमॉन्ग द ऑप्शंस। ब्रीफ, ब्रीफ का आपको मीनिंग बताना है नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से, और वो ऑप्शंस हैं आपके लेड, ल्यूसिड, सेपरेटली, या फिर कॉन्साइज। तो ब्रीफ का जो सिमिलर मीनिंग है वो है क्या, कॉन्साइज, डी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इंटू एक्टिव वॉइस। ये जो सेंटेंस दिया है इसको आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, और आपका सेंटेंस है इस प्रकार, आई वॉज प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन फॉर माई कफ। ये इसका एक्टिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से आपको सर्च करना है, ढूंढना है, और आपको उसका बताना है। मतलब ये कि आप पहले उसको बना लीजिए फिर देख लीजिए। तो इसमें जो सही उत्तर है मेरे हिसाब से क्या है आपका, ए पार्ट, माय डॉक्टर प्रेस्क्राइब मी सम मेडिसिन फॉर माय कॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड अमॉन्ग द ऑप्शंस। सर्टेन, सर्टेन का अपोजिट मीनिंग आपको बताना है नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से, और ऑप्शंस हैं डाउटफुल, फिक्स, एब्सोल्युटली, या फिर पार्टिकुलर। तो इसका अपोजिट मीनिंग जो आएगा गिवन वर्ड्स में से क्या आएगा, सही उत्तर क्या है, डाउटफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैधानिकम कार्यम कुर्यात, रेखांकित पद में प्रकृति प्रत्यय क्या है। वैधानिकम जो पद है इसमें प्रकृति प्रत्यय क्या है, चार ऑप्शंस जो आपके नीचे दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है। बहुत ही कम समय होता है दोस्तों एग्जाम में, तो बहुत ही तेजी से स्टार्ट कीजिए। तो सही उत्तर क्या है आपका, विधान ढक, थर्ड पार्ट। अगला प्रश्न, रमः कि त्वं तत्र संस्कृतम, रिक्त स्थान पर शुद्ध रूप होगा पठ धातु का, शुद्ध रूप यहां पर क्या आएगा, रमः किं त्वं तत्र संस्कृतम, फिर आगे क्या बना जाएगा, क्या बना जाएगा दोस्तों। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन है, आपके हिसाब से कौन सा है, मेरे हिसाब से तो दोस्तों बी ऑप्शन है, पड़सी होगा। अगला प्रश्न, जलागमे मयूरा प्रसन्ना भवंती, रेखांकित पद का संधि विच्छेद है दोस्तों, इसमें माफ कीजिएगा रेखांकित करना भूल गया हूं, और रेखांकित जो शब्द है वो है जलागमे,
जलागमे जो शब्द है वो उसका आपको संधि विच्छेद करना है। प्रश्न एक बार फिर से दोहरा देता हूं, जलागमे मयूरा प्रसन्ना हुवंती, आपको इसमें जलागमे का संधि विच्छेद बताना है और संधि विच्छेद नीचे दिए गए हैं। तो चार ऑप्शंस में से आपको सही संधि विच्छेद जो जलागमे का निकलता है क्या होगा, सही उत्तर जलधन आगमे। अगला प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान है, बने पशु महोत्सव अस्ति, रिक्त स्थान के लिए सही अव्यय पद है कौन सा आएगा, रिक्त स्थान बने पशु महोत्सव अस्ति, रिक्त स्थान के लिए सही अव्यय पद कौन सा आएगा, अद्य पूरा सर्वत्र या फिर तत्र। तो सही उत्तर क्या है, ए पार्ट अद्य। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, वो है आपका ये कि सर्वसामे महत्वम विद्यते यथा समयम, रेखांकित पद का समास विग्रह है। तो सर्वेषामेव महत्वम विद्यते यथा समय, रेखांकित पद है इसमें सर्वेषामेव, और इसका समास विग्रह क्या होगा, चार ऑप्शंस आपके सामने लिखे गए हैं, समयेन अतिक्रम्य या फिर समयम अनतिक्रम्यम या फिर समस्य अतिक्रम्य या फिर समयात अनतिक्रम। तो इसका समास विग्रह क्या होगा, सही उत्तर क्या है, बी पार्ट समयम अनतिक्रम्यम। अगला प्रश्न, कृत्रिम वर्षा के लिए मुख्यतः किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर फ्लोराइड। तो सही उत्तर क्या है आपका, सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न, टैगा वन का प्रमुख वृक्ष कौन सा है, जो टैगा वन होते हैं उसमें से कौन सा प्रमुख वृक्ष पाया जाता है, साल के वृक्ष, आम के वृक्ष, सदाबहार वृक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो टैगा वन के प्रमुख वृक्ष क्या होते हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, सही उत्तर क्या है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, मस्तिष्क पर सूक्ष्म जीव के आक्रमण के क्या लक्षण हैं, सिर दर्द, उल्टी, चक्कर या बेहोशी या फिर ये सभी। तो मस्तिष्क पर सूक्ष्म जीव के आक्रमण के जो लक्षण होते हैं वो सभी होते हैं, तो सही उत्तर क्या हुआ, ये सभी। अगला प्रश्न, नमक के विलयन को तनु करते समय एक विद्यार्थी उसमें गलती से एसीटोन जिसका क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस है मिला देता है, किस विधि द्वारा हम एसीटोन को जल से अलग कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं साधारण आसवन, प्रभाजी आसवन, ऊर्ध्वपातन द्वारा या फिर पृथक्करण द्वारा। इसका सही उत्तर क्या है आपका, साधारण आसवन। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक है कौन है, जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक है, प्रदूषण, असंतुलित भोजन, अनुवांशिक असामान्यता या फिर ये सभी। तो सही उत्तर क्या हुआ, डी पार्ट ये सभी। अगला प्रश्न, किस फॉर्मूले के आधार पर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। आपने सुना होगा न्यूज़पेपर्स में और समाचार पत्रों में भी कि बहुत सारे राज्य जो है वो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं और समय समय पर मांग करते रहते हैं। तो वो किस फॉर्मूले पर के आधार पर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। ऑप्शंस है गुजराल डॉक्ट्रिन, कुजरू समिति फॉर्मूला, गॉडगिल फॉर्मूला या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है, जिस फॉर्मूले के आधार पर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है वो है आपका गॉडगिल फॉर्मूला। अगला प्रश्न, वह कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को दो बार काटती है, अमेजन, जायरे, कांगो या फिर नील। तो जो नदी है जो विषुवत रेखा को दो बार काटती है उसका नाम है कांगो। अगला प्रश्न, सबसे अधिक स्थायित्व वाला केंद्रीय प्रवृत्ति का मान किसका होता है, मध्यमान, बहुलक, समानांतर या फिर माध्यिका। तो सही उत्तर क्या है आपका, मध्यमान। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा रूप कहां अवस्थित है, सिपकीला, गढ़वाल, मसूरी या फिर दार्जिलिंग। तो एशिया का सबसे बड़ा रूप कहां अवस्थित है, इसका उत्तर है, सही उत्तर क्या है आपका, गढ़वाल। अगला प्रश्न, वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल, भूटान एवं चीन से सटी हुई है, और ऑप्शंस हैं असम, मेघालय, मिजोरम या फिर सिक्किम। बहुत ही चर्चित राज्य है दोस्तों, समाचार पत्रों में, न्यूज में आता ही रहता है क्योंकि चीन वहां पर कब्जा करने की कोशिश करता रहता है। तो आपको ऑप्शन मैंने हिंट दे ही दिया है, और जी हाँ ऑप्शन भी बहुत से लोग सही बता रहे हैं, और सही उत्तर है डी पार्ट सिक्किम। अगला प्रश्न,
दूरस्थ शिक्षा का महत्वपूर्ण संसाधन किसे माना जाता है? अध्ययन समूह को, मुद्रित सामग्री को, द्रव्य श्रव्य दृश्य सामग्री को, या फिर कंप्यूटर को? तो दूरस्थ शिक्षा का जो महत्वपूर्ण संसाधन है जिसे माना जाता है वो आजकल क्या है? कंप्यूटर को। अगला प्रश्न, अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया को सरल, प्रभावकारी एवं रुचिकर बनाने का सबसे कारगर उपाय क्या है? अध्यापन सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री, अधिगम की प्रक्रियाएं, या फिर शिक्षक अभिरुचि? तो अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया को सरल, प्रभावकारी एवं रुचिकर बनाने का जो सबसे कारगर उपाय है वो है आपका शिक्षण सहायक सामग्री। बी पार्ट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, किंडरगार्टन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों ये प्रश्न उम्मीद करूंगा कि अगर आप लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रश्न गलत होता है तो फिर थोड़ा चिंता का विषय है। और ऑप्शंस हैं मॉन्टेसरी, रूसो, फ्रोवेल और स्किनर। तो उम्मीद करता हूं कि जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी का ये आंसर सही होगा। जी हाँ, आप सभी लोग जानते हैं मुझे यकीन है, और सही उत्तर है सी पार्ट, फ्रोवेल। अगला प्रश्न, निम्न में से शिक्षा के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, या फिर ये सभी? तो शिक्षा के जो प्रमुख प्रकार है उन ऑप्शंस में से वो है क्या? ये सभी। ये सारे जो है वो शिक्षा के प्रमुख प्रकार है। अनौपचारिक शिक्षा भी है, औपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा भी। अगला प्रश्न, किस वर्ष शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है? वर्ष 1972, 1976, 86 या फिर 89? तो किस वर्ष डाला गया है? सही उत्तर क्या है? 1976। अगला प्रश्न, संभवा व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तिगत तत्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है, उपर्युक्त कथन किसका है? टाइलर, स्किनर, थार्नडाइक या फिर पावलोव? तो किसका है ये महत्वपूर्ण कथन? और ये जो कथन है वो है आपका किसका? टाइलर का। अगला प्रश्न, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मध्य स्थान किसका होता है? पाठ्यक्रम का, अभिभावकों का, शिक्षक का या फिर बालक का? तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मध्य स्थान जिसका होता है उसका आंसर क्या है? बालक का। अगला प्रश्न, खेल में हार जीत से बच्चों में किस गुण का विकास होता है? सहानुभूति का, सहयोग का, सहन शक्ति का या फिर समायोजन का? तो किस गुण का विकास होता है अगर खेल में हार जीत हो? तो सही उत्तर क्या आएगा आपका? सी पार्ट, सहन शक्ति का। अगला प्रश्न, व्यवहार का विज्ञान किसे कहा जाता है? मनोविज्ञान को, बुद्धि लब्धि परीक्षण को, अवलोकन को या फिर व्यक्तित्व परीक्षण को? तो व्यवहार का विज्ञान किसे कहा जाता है? सही उत्तर क्या है आपका? मनोविज्ञान को। अगला प्रश्न, सीखने के सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन, कोहलर, थार्नडाइक या फिर पियाजे? तो कौन है इस सिद्धांत का प्रतिपादक? सही उत्तर क्या है? कोहलर। अगला प्रश्न, इंडिया वन किस प्रोजेक्ट से संबंधित है? थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सोलर पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इंडिया वन जो प्रोजेक्ट है वो किससे संबंधित है? सही उत्तर है आपका सोलर पावर प्रोजेक्ट से। अगला प्रश्न, भाग्य लक्ष्मी योजना क्या है? गरीब कन्या विवाह हेतु, या फिर शिक्षा कार्यक्रम संबंधी धनराशि योजना, या फिर गरीब परिवार में लड़की के जन्म लेने पर देय धनराशि से संबंधित है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो भाग लक्ष्मी योजना क्या है? सही उत्तर क्या है? गरीब परिवार में लड़की के जन्म लेने पर देय धनराशि से संबंधित है। अगला प्रश्न, 15वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2018 द्वारा भारत को वृक्ष एवं वनावरण क्षेत्र के साथ विश्व में स्थान प्रदान किया गया है, कौन सा? 9वां, 10वां, 11वां या फिर 12वां? तो सही उत्तर क्या है? 10वां। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक माह के प्रत्येक प्रथम शुक्रवार को किस रूप में आयोजित किया जाता है? गन्ना किसान दिवस, गरीब किसान दिवस, किसान कृषि दिवस या फिर किसान स्वास्थ्य दिवस? तो सही उत्तर क्या है? गन्ना किसान दिवस। अगला प्रश्न, 1 अप्रैल
2018 को भारत के किस राज्य में BS4 मानक लागू किए गए हैं? ऑप्शंस हैं आपके दिल्ली, पौंडिचेरी, चंडीगढ़ या फिर लक्षद्वीप। तो सही उत्तर क्या आएगा इसका? दिल्ली। अगला प्रश्न, ट्राउट मछलियों को किस रोग के निदान हेतु वर्ष 2018 में पाया गया है? कैंसर रोग उपचार में, टीवी के उपचार में, हृदय रोग चिकित्सा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ट्राउट मछलियों को जिस रोग के निदान हेतु वर्ष 2018 में पाया गया है उसका आंसर है हृदय रोग चिकित्सा में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आयुष मिशन में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किन जिलों को शामिल किया गया है, मतलब किस जिले को शामिल किया गया है? लखनऊ, कानपुर, बरेली या फिर ये सभी। तो सही उत्तर क्या आएगा आपका? पूछ प्रश्न देखिए क्या पूछ दिया है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन में निम्नलिखित में से उत्तर किन जिलों को शामिल किया गया है? तो यहां पे तो ऑप्शन ए और बी है ही नहीं, तो किन जिलों को दे दिया है, तो मतलब सही उत्तर क्या होगा? ये सभी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वन्य जीव एक्शन प्लान की अवधि क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, 2015 से 2030, 2018 से 2033, 2014 से 2019 या फिर 2017 से 2032। तो राष्ट्रीय वन्य जीव एक्शन प्लान की अवधि जो है वो क्या है? 2017 से 2032 तक है। अगला प्रश्न, भारत में सिंधु डॉल्फिन की पहली गणना किस राज्य द्वारा की गई है? गुजरात, पंजाब, हरियाणा या फिर राजस्थान। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा सिंधु डॉल्फिन, तो सिंधु डॉल्फिन गुजरात में तो होगा नहीं, हरियाणा में होगा नहीं, राजस्थान में नहीं होगा, कहां पे होगा? पंजाब में। सही उत्तर क्या है? पंजाब। अगला प्रश्न, भारत ने किसके उत्सर्जन में चीन को पीछे छोड़ा है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन उत्सर्जन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो किसके उत्सर्जन में चीन को पीछे छोड़ दिया है भारत ने? इसका सही उत्तर है ए पार्ट, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन हार्डवेयर की श्रेणी में आता है? माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर या फिर ये सभी। तो ये सभी जो है कंप्यूटर के पार्ट होते हैं और ये आउटर पार्ट होते हैं, बाहर से लगाए जाते हैं, तो ये क्या हो गए उनके हार्डवेयर। तो सही उत्तर क्या है? ये सभी। अगला प्रश्न, एस रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का नाम तो आप लोगों को पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब होता है एस रैम, तो देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी तीन ऑप्शन में है, मतलब बी ऑप्शन तो है ही नहीं, या तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो एस रैम का पूरा नाम क्या होता है? सही उत्तर क्या है? ए पार्ट, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट किसका भाग होता है? ALU, CPU, प्रोग्राम या फिर आउटपुट डिवाइस का। तो कंट्रोल यूनिट ना ही प्रोग्राम का भाग होता है, ना ही आउटपुट डिवाइस का भाग होता है, तो ALU हो सकता है या फिर CPU हो सकता है, लेकिन से CPU की फुल फॉर्म क्या होती है ये आप लोगों को भली भांत पता है, इसलिए सही उत्तर क्या है? CPU। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सॉफ्टवेयर के प्रकार है? सिस्टम या फिर एप्लीकेशन, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन से सॉफ्टवेयर हो सकते हैं? सिस्टम और एप्लीकेशन दोनों होते हैं। सही उत्तर क्या होगा? ए और बी दोनों, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर से जुड़कर वेबसाइटों को कौन स्टोर करता है? ब्राउजर, वेब पेज, सर्वर या फिर हाइपरमीडिया। एक ऐसा कंप्यूटर जो सारा डाटा इकट्ठा करता हो, कहां पे सारा डाटा इकट्ठा होता है दोस्तों? वेबसाइटों का, जितने भी वर्ल्ड में जो है हर एक वेबसाइट का कहीं ना कहीं कोई सर्वर जरूर होता है। सही उत्तर क्या है? सर्वर। अगला प्रश्न, शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन किसने माना है? लॉर्ड मैकाले, राधाकृष्णन, महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद। तो शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन जो माना है वो माना है महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न, अब्राहम मास्लो के अनुसार मानव की प्राथमिक आवश्यकता क्या है? भूख, प्यास, काम या फिर ये सभी। तो भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, कार्य करना भी जरूरी है, तो उत्तर क्या होगा? ये सभी। अगला प्रश्न, मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? 10, 4, 8 या फिर 14। तो उन मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 14। अगला प्रश्न, भारत में औपचारिक शिक्षक प्रशिक्षण की शुरुआत प्रारंभ कब से हुआ है? भारत में औपचारिक शिक्षण प्रशिक्षण का शुरुआत कब से हुआ है, शुरुआत की प्रारंभ कब से हुई है? ब्रिटिश काल में, पूर्व ब्रिटिश काल में, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात या फिर ये सभी। तो सही उत्तर क्या है? ब्रिटिश काल में। अगला प्रश्न, अर्जित प्रेरक व्यक्ति कहां सीखता है? समाज में, विद्यालयों में,
बाल्यावस्था में या फिर उच्च शिक्षण संस्थानों में। तो अर्जित प्रेरक व्यक्ति कहां सीखता है दोस्तों? समाज में सीखता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर दोस्तों पसंद आया है तो दोस्तों लाइक का बटन जरूर दबा दें, और अगर और अच्छा लगा हो तो दोस्तों अपने शेयर दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतने, फिर मिलते हैं कल शाम के 4 बजे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।